तो फाइनली दोस्तों फेसबुक ने न्यू अपडेट दे दिया है, मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम था उसका फाइनली सॉल्यूशन मिल गया है दोस्तों। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा, जिस तरह से मैं बताता हूँ वही चीज़ आप ट्राई करिएगा, आपका 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा नहीं यहाँ पे कि आप बस वहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन दे दिया उसके बाद रिव्यू पे क्लिक कर दे और आप रिव्यू पे सेंड कर दे तो आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है दोस्तों, तो जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरा वो प्रोसेस क्या रहता है। अगर वो भी आप मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं जो बताता हूँ वही आप फॉलो करोगे तो आपका 100% मोनेटाइजेशन जो इफेक्ट था, जो पॉलिसी वायलेंस था, यानी कि ए टू जेड प्रॉब्लम आपका मोनेटाइजेशन से लेकर सारा का सारा इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले तो अभी आप यहाँ पे नीचे जाके मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ अभी ओरिजिनल कंटेंट पड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे अभी कॉपीराइट नहीं हुआ, ठीक है, जो भी हुआ होगा यहाँ पे मेरा ही ओरिजिनल कंटेंट अपलोड हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी कंटेंट दूसरे का नहीं है, ठीक है, यानी कि सारा का सारा कंटेंट मेरा था। और यहाँ पे जो लाइक गया था, ठीक है, जो कि फोटोज़ मेरा वायरल हुआ था, ए टू जेड हम डिलीट किए, ठीक है, ए टू जेड फोटोज़ वीडियोज हम सब डिलीट किए, उसके बाद हमें ये वाला जो कि है रिव्यू के लिए मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वीडियोज़ पे जाके फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल वीडियोज़ मेरा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट नहीं है। बहुत सारे बंदे लोग करते हैं ना कॉपी पेस्ट, उसके हिसाब से यह वाला जो प्रॉब्लम है कि सबको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब का सब मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो आप देख सकते हो, जिसका दिल करे वही लिखे अरे महादेव करके, 11 मिलियन गया, ठीक है, मेरा 11 मिलियन व्यूज़ गया, सिर्फ 3 सेकंड का वीडियो है, उससे मेरा स्ट्रीम एड ऑन हो गया था दोस्तों, और उसके बाद सर कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया था, ठीक है। तो क्यों हुआ था तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, जिसको मैंने ये वाला अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड गुड मॉर्निंग गुजरात करके मैं डाला हूँ। तो अगर ये वाला मेरा पोस्ट वायरल हो गया तो दूसरे दिन भी मैं सेम वही ट्राई करूँगा, तीसरे दिन भी मैं सेम टू सेम यही ट्राई करूँगा। तो उसके चलते कीवर्ड के चलते और हैशटैग के चलते, ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका मोनेटाइज रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हो, ठीक है, यानी कि फेसबुक से किसी का डाउनलोड करके पीसीआर से डाउनलोड करके अगर आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है, एडिट बेडिट करके डालते हो तो कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। आपका जो ओरिजिनल रहता है ओरिजिनल आप देख सकते हो, अभी फिलहाल मेरा ए टू जेड सब चीज यहाँ पे ओरिजिनल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डी पी से वगैरह लेके सब कुछ मेरा ओरिजिनल है। तो इसके बाद अभी मेरा ये रिव्यू का ऑप्शन दिया था दोस्तों, मैं पहले आपको रिव्यू वाला बटन दिखा था, ठीक है, यहाँ पे चले जाना आप मोनेटाइजेशन पे सिंपल दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे मेरा मोनेटाइज इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, देखिए मेरा एस्टिमेट भी था वो भी रिव्यू में चल गया, ठीक है, जो कि ओपन होने वाला था बट यहाँ पे मोनेटाइजेशन का रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके चलते ये वाला भी वहाँ पे चल गया है रिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ दोस्तों करना क्या अभी इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दे दोस्तों, ठीक है, अभी यहाँ पे लर्न मोर पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट पेज रिव्यू, ठीक है, अब समझिएगा गौर से। तो यहाँ पे देखिए आप दोस्तों अब करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोलता है कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है, ठीक है, अगर बाय मिस्टेक हमसे कुछ गलती हुई है तब आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, बाकी नहीं, ठीक है। तब उसके लिए क्योंकि हम तो कॉपीराइट किए थे, मतलब सबका कॉपी करके डाले थे, तब जाके हमारा डॉलर बनता था, वायरल होता था, तो हम वायरल करने के चक्कर में यहाँ पे सब लोग डालते रहते थे, ठीक है। तो फिलहाल हम सब हटा दिए, जितना कॉपी पेस्ट था, रील्स फोटोज सब डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद दोस्तों हम मिनिमम यहाँ पे आपको बता 1 हफ्ता वेट किया, ठीक है। 1 हफ्ता वेट करने के बाद अब हम रिव्यू करेंगे, यानी कि रिव्यू पे क्लिक करके अब हम रिव्यू में सेंड करेंगे, तब जाके हमारा ये ठीक होगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले भी हम एक बार आज से 2 महीने पहले वाला ट्राई किए थे, बट हम उस टाइम कुछ डिलीट नहीं किए थे, बस बड़े हट में ऐसे ही फटाफट करके डाल दिए थे। जैसे मोनेटाइज रिस्ट्रिक्ट हुआ उसी दिन हमको रिव्यू का ये वाला ऑप्शन मिला था, बट उस दिन हम ये सब प्रोसेस दिमाग से काम नहीं किए थे। तो आज हम ये सब करने वाले हैं, और एक पेज है जिसमें हम ये उससे वाला ट्राई किए थे और वो 100% सही हो गया, उस पेज को शो नहीं कर सकते वरना मैं आपको बता देता, बट फिलहाल वहाँ से अर्निंग अच्छी खासी हो रही है इसलिए हम उसको शो नहीं करेंगे। बट आप ये चीज़ ट्राई करिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा, ये भी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे रिव्यू पे सेंड कर देते, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई वीडियो बना के दूसरा डाल दूंगा, उसमें आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कर देते क्लिक, ठीक है दोस्तों। ये वाला चीज़ आप रिव्यू पे सेंड करते उससे पहले का प्रोसेस आपका क्या रहेगा वो समझिएगा। उसके पहले का क्या रहेगा दोस्तों कि आपको पहले तो आपका ऑल डिलीट करना है, ठीक है, जैसे पोस्ट फोटोज वीडियो सब कुछ डिलीट कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों
कि उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आपके 7 दिन कंटिन्यू लाइव आना है, ठीक है। 7 दिन मिनिमम आपको लाइव आना है, मॉर्निंग में, शाम में, सवेरे में, आपको 7 दिन कंटिन्यू जितना हो सके लाइव आना है दोस्तों, ठीक है। 7 दिन उसके बाद आपका ओरिजिनल फोटोस अपलोड करना है। 7 दिन में आप मिनिमम 3-3 फोटो अपलोड करिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, फेसबुक को पता चलेगा कि आप ओरिजिनल क्रिएटर हो, उसके चलते फिर आप रिव्यू में सेंड करोगे तब आपका 100 भी प्रॉब्लम रहेगा, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो हम वो सब कर लिए प्रोसेस, ठीक है, वो सब प्रोसेस कर लिए। उसके बाद अभी देखिए हम यहाँ पे सिंपल 1-2-3 रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू रिक्वेस्ट सबमिटेड, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए पेज को रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि फेसबुक को हम अपील कर दिए कि हमारा पेज सही कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो 2-3 दिन का टाइम मांग रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे फेसबुक बोलता है 2-3 दिन, बट यहाँ पे मिनिमम 7 दिन लग जाता है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 दिन के अंदर अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर हो, ठीक है, आपने कोई गलती नहीं किया, तब आपका 7 दिन के अंदर यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपने गलती की हो तो उसका वीडियो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कैसे क्या करना है, तो दोबारा वीडियो को आप गौर से सुन लेना, समझ लेना, ठीक है। उसके बाद कर देते यहाँ पे क्लोज दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों कोई भी आपका डाउट रहता है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे जाकर टेलीग्राम मेरा चैनल है, उसको ज्वाइन करिएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका दोस्तों बहुत सारा हेल्प हुआ होगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।